तो यार आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार एक यूट्यूबर्स कस्टम हो रहा था, तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं उसमें खेलते हैं एंड उसका जो गेम प्ले वो रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे एंड उसमें अपन ने क्या क्या किया, कैसे खेलते हैं एंड वो भी आपको सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। उसके पहले कि गेम स्टार्ट हो, भाई ये लॉबी है, इसमें आप देख सकते हो जो जो भी यूट्यूबर्स हैं, अगर आप गेस कर सको तो भाई बताना मेरे को। एंड उसके बाद जो गेम फाइनली स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर इक्का दुक्का मेरे पहचान के बंदे थे जिनसे मैंने थोड़ा बहुत बातें करी, और सबसे पहले बात ये हो रही थी कि भाई उतरना कहाँ पे है, क्योंकि भाई देखो ऐसा क्लासिक मैच तो ये है नहीं, ठीक है। तो अपन किसी हॉट ड्रॉप पे उतर के शुरू में मार काट तो नहीं कर सकते, सो हमने सोचा लिपोका, क्योंकि हमारा जो हॉट ड्रॉप है वो लिपोका रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जिन भी बंदों के साथ में खेलता तो उनका जो है लिपोका ही रहता है, तो मैंने सोचा चलो लिपोका उतरते हैं, काम करते हैं। बट यहाँ पे एक गलती होती है, अब ये गलती ना आपकी अगर टीम लिपोका जा रही है तो गलती मत करना, बिकॉज हम यहाँ पे देखो थोड़ा अपर एडवांटेज में थे, हम थोड़ा सा ऊंचाई पे थे, लेकिन हमारी जस्ट नीचे एक टीम थी, वो जल्दी उतरने के चक्कर में थोड़ा क्या करती है थोड़ा और उनका जो हाइट कम हो जाता है और वो पूरी तरीके से लिपोका पहुंच नहीं पाते, वो सिमट के रह जाते हैं वेयर हाउस तक। अब इनके पास पहली गलती ये हुई कि भाई ये लोग जो है वेयर हाउस तक सिमट के रह गए, एंड दूसरी गलती ये करती कि भाई जब इनको पता था कि ये वेयर हाउस तक सिमट के रह गए तो इनको वहाँ से जो है बैक साइड पे पीछे भाग के चला जाना चाहिए था, या तो जितनी भी लूट उनके पास थी वहीं पर रहना चाहिए था, कैम्प करना चाहिए था, अपना मस्त होल्ड करना चाहिए था। लेकिन होता थोड़ा सा इसके उल्टा है, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा आगे उतर गए थे तो पूरा लिपोका हमारे पास था, लेकिन उनके पास सिर्फ चंद एक दो वेयर हाउस और एक घर था। अब दिक्कत इनके साथ क्या हुई कि इनके दो से तीन बंदे इसी वाले घर में छिप जाते हैं, आई मीन लूटने के लिए आए होंगे और यहीं पे फंस जाते हैं, और लकीली ये मेरे ही क्लैन मेट्स रहते हैं। सो देखो कैसे भरते हैं, अब दोनों खो चुके थे, एक ऊपर भी था इनका बंदा। अब एक्चुअली ये जो है शायद हमारी जो क्लैन का घर लाइनअप है, तो शुरुआत उन्हीं से ही हुई हमारी। फिलहाल यहाँ पे मेरे को खिड़की पे वो था और इसके बाद पिस्टल ही थी आई थिंक। अबे साले गर्ल्स टीम मार दी। अब यार यहाँ पे जो अपने अपनी ही क्लैन के गर्ल्स टीम को मार दिया था, मतलब गर्ल्स टीम को बोल रहा हूँ, जो गर्ल्स थी उनको मार दिया था। बट इनका एक बंदा आई मीन एक लड़की जो कि वेयर हाउस में थी, और वहाँ पे जो है क्योंकि हम चार थे तो भाई कोई चांस था नहीं, एक चांस था उसके पास बचने का पीछे चली जाती, बट वैसा भी नहीं हो पाया क्योंकि यार चारों तरफ से घेर लिया था, तो यहाँ पे जो बचने का कोई चांस ही नहीं था। बाकी किल फील्ड में आपको जब मैं किल करूँगा तो नाम उतना नहीं दिखेगा, वहाँ पर प्लेयर कुछ अजीब सा लिख के आएगा, ठीक है, तो उसको इग्नोर करना, बट किल फील्ड में आपको बंदों का नाम जो है दिख जाएगा, ठीक है। फिलहाल अपना सब अलग अलग अपना अपना जो व्हीकल है उसको लेके निकल पड़ते हैं, और मेरी टीम आगे थी, मैं थोड़ा सा पीछे था, मैं दिखते दिखते आ रहा था, वो थोड़ा अलग रास्ते से गए थे, मैं थोड़ा अलग रास्ते से गया था, चारों के पास अपनी खुद की एक व्हीकल है, और हम रोटेट करते हैं सीधा इस वाली जगह पे। और दिक्कत यहाँ पे ये थी कि जो जोन था वो आधा मिलिट्री बेस की साइड था और हल्का सा इस साइड था, तो मतलब जो भी बंदा जाएगा वो यहाँ से होके तो ज़रूर जाएगा, और क्योंकि जो मिलिट्री बेस वाला ब्रिज है उधर भी जो है जोन नहीं है, तो मतलब मेन यही जगह है जोन के अंदर है, तो हमने पहले कंफर्म किया चारों घरों में कोई नहीं था, तो फिर उसके बाद जो हम अपनी अपनी गाड़ी को लेके यहाँ पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले तो हम एक चीज़ का वेट कर रहे थे, जोन के कटने का, क्योंकि वही जोन डिसाइड करेगा हमको कहाँ रहना है, हमको इसी जगह पे रहना है या हमको जोन के उस तरफ जाना है। चांसेस उस तरफ जाने के थे, लेकिन तभी एक बगी आ जाती है और गाड़ी भी आ जाती है, मतलब पूरा इनका जो है काफिला आ जाता है। मुझे लगा कि ये आगे आएंगे तो मैंने अपने टीममेट को बोल दिया कि फायर मत करना, बट ये वहीं रुक गए। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि इन लोगों को भी जोन में जाना था और हमको भी जोन में जाना था, आई मीन जोन कटने का वेट कर रही थी वो वाली टीम, क्योंकि इस वाली जोन में फाइट नहीं हो सकती। आप देख सकते हो 67 ऑलमोस्ट 70 बंदे जिंदा हैं, लेकिन जोन जो है कटने वाला है, और अभी इतनी फाइट हुई भी नहीं है, जो थर्ड सर्कल रहेगा या इसके बाद जो सर्कल रहेगा उसमें बहुत मारकाट होने वाली है। सो हम जो है बिल्कुल ध्यान से देख रहे थे जोन को, एकदम हम सोच रहे थे कि हमारी साइड बन जाए, बट हम थोड़े बहुत लकी निकले बाकी लोगों के मुकाबले, क्योंकि ऊपर से जोन जो है बिल्कुल नीचे की साइड बन गया था, और एट द एंड हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक सकते थे, बट यहाँ पे रुकना वेस्ट था, क्योंकि एट द एंड जोन जो है उसी साइड का बनना था इस वाले सर्कल के बाद, तो हमको उधर के लिए तो निकलना ही था, ठीक है। सो हमने अपनी अपनी गाड़ी उठाई, एक टीममेट पहले जो है आगे जाके देख के आ गया था कि वहाँ पे बंदे हैं कि नहीं, अगर फायर होता तो भाई हमको वो वॉर्न कर देता, सो अपन पीछे रुक जाते देन उनके साथ फायर करते, बट वहाँ पे कोई था नहीं, और अगर कोई होता भी तो मेरा एक टीममेट जो है जस्ट मिड में रुक गया था ताकि वो स्प्रे दे सके और हम जो है निकल सके। अब होता ही ऐसा है कि मतलब अगर सामने से कहीं से स्प्रे आता तो मेरा टीममेट जो है पीछे से कवर फायर देता और अपन निकल लेते और ये वहाँ पे जो भी बंदे थे उनको पेल देते, बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे कोई था नहीं,
अब जो बंदे थे इस तरफ एक ही टीम थी जो कि ऊपर वाली साइड थी, बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल पहाड़ी दिख रही वहाँ पे। अब वो हमको आते हुए देख के हमारे ऊपर फ्लैंक कर देते हैं, उससे पहले कि जो फ्लैंक करे वो हम पे रश करे वो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ऊपर से गाड़ी आते हुए दिखती है मेरे को। अब देखो यार, अगर आप उजी रख रहे हो तो एक वार्निंग दूंगा आपको मैं, उजी अच्छी गन है क्लोज रेंज में, लेकिन यार जब आप लॉन्ग रेंज में अपना स्प्रे मारते हो उसके बाद आपको दूसरी गन की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे उजी आपके काम नहीं आएगी भाई, क्योंकि उजी बहुत हद तक शॉर्ट रेंज गन है, मतलब आप हल्का भी मिड रेंज में जाओगे तो ये काम नहीं आएगी आपके। सो दोनों ही असॉल्ट गन रखो। अब यहाँ पे हम बहुत गंदा फंस जाते हैं क्योंकि चारों तरफ से बंदे आ जाते हैं और हमको कहीं ना कहीं से पड़ रही थी। अब मैं इस वाले गेट को गार्ड करने के लिए आ जाता हूँ क्योंकि एक टीम रश कर रही थी और क्योंकि ऊपर इतनी भसड़ मच रही थी कि पता ही नहीं चल रहा था यार। सो हम यहाँ पे मुझे जो दिख रहा था उसको मैंने फिनिश किया, देन जोन जो अगेन कट जाता है, जोन जैसे कटा था हमको निकलना था, वो अपना बगी पकड़ के निकल गया मेरा एक टीममेट, बाकी तीन बंदे हम यहाँ पे थे क्योंकि हम इस गाड़ी से जाने वाले थे, स्मोक कर दिया हमने ताकि इस गाड़ी के ऊपर फायर ना हो, सामने तो कर ही रखा था ऑलरेडी स्मोक। सो हम तीनों बैठते हैं, ऊपर एक डिप था उस डिप पे जाने के लिए और अपन जो है सक्सेसफुली फाइनली उस डिप तक पहुंच जाते हैं क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एक टीममेट था तो हम पे कोई फायर करता तो मेरा टीममेट जो है कवर फायर देता, और कोई टीम ऐसे नहीं चाहेगी कि वो इस समय फायर करके अपने बंदों को नॉक करे, नॉक करवाए हमसे, क्योंकि जोन जो है जा रहा है तो इस समय फाइट कोई भी नहीं लेगा। सो हम इस डिप तक पहुंच जाते हैं। दिक्कत ये थी कि जो ब्रिज से बंदे आने वाले थे वो हमारे पीछे थे और मैं उनको देख लेता हूँ। अब मैंने इनको देखते अपने टीममेट को कॉल दे दी कि भाई देखो एक लड़ी से मतलब बैक टू बैक गाड़ियाँ आ रही हैं, रेडी रहना फाइट करने के लिए, और वैसे ही होता है एक बैक टू बैक आती है गाड़ियाँ। जैसे कि मैंने कहा भाई उजी यहाँ पे कोई एक के वेके में रहती तो शायद मैं निकाल भी देता एक बंदा। अब देखो इनका एक बंदा निकाल दिया, उसको फिनिश कर दिया, लेकिन जो बाकी के बंदे थे वो निकल गए अपनी बगी से और ये रुके थे सामने। अब हमने ना क्या किया, एक बंदा यहीं पे खड़ा कर दिया अपना ताकि वो यहाँ से स्प्रे दे सके, नीचे की साइड स्प्रे दे सके, और अपन जो है बिल्कुल साइड साइड से जाने की ट्राई करते हैं। गाड़ी पीछे रोक देते हैं क्योंकि यार भाई इस वाली जो गाड़ी से कोई भी बंदा सामने से स्प्रे करेगा तो भाई ये वाली गाड़ी से बंदे निकालना बहुत ईजी है। सो पीछे रोक दिया हमने, यहाँ से इतनी ज़रूरत पड़ने भी नहीं वाली थी तो हमने सेफ रखी गाड़ी, लेकिन छोड़ो ना। अब यहाँ पे गलतियों की बात करते हैं, पूरा मैच तो आपने देख लिया, पहले ये देखो जरा। अब इस कुबी की टीम थी और ये तो वहाँ पे फिनिश हो गई, ठीक है। अब मेरे को लगा कि वहाँ पे जो बंदे हैं वो भी एक का दुक्का ही होंगे, ठीक है, और तो मैं जो है अपनी टीम से अलग होकर आगे अकेला चला जाता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मैं अपनी टीममेट को कॉल दे रहा था कि मेरे साथ आओ, बट वो भी अपना अपना बिजी थे। सो मैं आगे चलता गया पीछे नहीं देखा। सो यहाँ पे आगे क्या होता है कि मैं दो बंदों को समझ के गया था लेकिन बिल्कुल चार बंदे थे, मुँह पे होते चार बंदे, और गलती से मैं उनसे फाइट ले लेता हूँ और मैं टीममेट से भी काफ़ी ज़्यादा दूर था तो भाई ऐसे में जो है फिनिश होना बनता था मेरा, और वैसे ही होता भी है मेरे साथ। मैं तो यहाँ पे फिनिश हो गया लेकिन टीममेट जो है वो काफ़ी दूर से आ रहे थे और जोन के बाहर से भी। ऐसे में आप जितना लेट करोगे जोन के अंदर आने के लिए उतना ही आपको डैमेज पड़ेगा, और वैसे ही होता मेरे टीममेट के साथ, वो काफ़ी पीछे रह गए थे तो जोन से डैमेज खाते खाते आ रहे थे, और ऐसे में जो है ऊपर वाली साइड से भी उन्होंने हमारा एक बंदे को जो है नॉक कर दिया था और मैं तो ऑलरेडी पिट चुका था, तो भाई बचा था मेरे टीममेट्स, दो टीममेट बचे हुए थे यार, उनमें से भी आपने देखा होगा फारूक आधी से ज़्यादा हेल्थ खाते हुए आ रहा था वहाँ से। सो एट द एंड जो है हमने ठीक ठाक किल निकाले यहाँ पे ये वाले मैच में, मतलब तीन के करीबन किल मेरे थे और बाकी एक एक दो दो तीन तीन के करीबन मेरे टीममेट्स के भी थे यहाँ पे किल, बट जो भी अच्छी कंटेनर नहीं निकाल सके अपन, बट इसके कुछ और मैच भी हैं तो कल की वीडियो में आपको वो वाले मैच भी आपको मैं दिखाऊंगा, एक मीरामार का और एक अगेन इरेंगल का है, तो अगर आपको वो देखना है उसके लिए वेट करना कल के दिन का। तब तक मैं मिलता हूँ किसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।